ये देखो प्यारे बच्चे, एक कार इज ट्रेवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी वी यानी सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। तो ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई कार चलती है, दिस इज द कार मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ, ऐसे तो कार ऐसे चल रही है ऑन दिस सर्कुलर पाथ। इन इट्स इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट ए रेट ऑफ समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड इंक्रीज, देन रिजल्टेंट एक्सलेशन। ठीक है, अब देखो लीनियर वेलोसिटी भी था और उसका जो इंक्रीजिंग स्पीड है, मतलब अब देखो स्पीड भी बढ़ रहा है यार, लीनियर और इंक्रीजिंग स्पीड रेट, ये जो है ए मीटर पर सेकेंड एक्सलेशन है, तो इस पे कहता है तो रिजल्टेंट एक्सलेशन। अब देखो पार्टिकल के पास दो दो एक्सलेशन है बच्चों, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ रही है, डी वी ओवर डी टी रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड इज इक्वल टू ए, ये टेंजेंशियल एक्सलेशन हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ ए दिया है, और ये रेडियल एक्सलेशन जो कि सेंटर की तरफ आएगा, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, वो आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। तो नेट एक्सलेशन जो होगा वो कहीं इधर आएगा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, तो ए नेट। तो यहाँ पर दो दो एक्सलेशन है, तो नेट एक्सलेशन जो आएगा सेंट्रिपिटल एक्सलेशन प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर का अंडर रूट। सेंट्रिपिटल क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर का होल स्क्वायर, और से रेडियल जो होता है वो डी वी ओवर डी टी होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड है, एक्सलेटेड है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो वी की पावर 4 आर का स्क्वायर प्लस ये है ए का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि डी वी ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ ए दे रखा था। तो इस हिसाब से अपना देखोगे तो बी ऑप्शन मैच कर गया। आई होप ये आसान सवाल था। थैंक यू।